तू मौलवी अपने आप को समझता क्या है? तू सुंबल को हरा देगा? दिखा अपनी ताकत और मैं दिखाती हूँ तुझे अपना जोर। आखिर कौन है अम्मा, कौन है जो सब कुछ कर रहा है, हमारे पीछे इस तरह पड़ गया है? ठीक है, अब तुम यही रहना, लेकिन तुम अम्मी, सानिया आपी और हानिया आपी से छुपकर रहना, ठीक है? मैं यही रहूंगी, लेकिन किसी को नजर नहीं आऊंगी। तुम यही रहोगी लेकिन किसी को नजर नहीं आऊंगी, कैसे? अलीना देखो जरा, यहाँ बैठिए। क्या कर रही हो यहाँ पे? आपी वो मैं, मेरे लिए क्या हुक्म है? छोटी बच्ची के जरिए घर में बेसुकूनी फैलाओ। जादू करने वालों को सब पता होता है, और आपकी बुआ ने हमारे बिस्तर के नीचे से ये निकाला है। पूछ ले उनसे। क्या जरूरत है मुझे किसी से पूछने की? कुछ मैं सोच रहा हूँ कि ये किससे रखा होगा? इस घर में मैं और तुम ही तो रहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? कि मैंने रखा है? कि मैं अपने बच्चे का नुकसान करना चाहती हूँ? संदल, I don't have the time. I have a headache, okay? क्या मतलब है आपका? जुनैद is a very serious matter. जुनैद पहुंच गए आप? अभी कहाँ, अभी तो 1 घंटा और लगेगा, अभी तो टाइम है। घंटा तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा साल लगेगा। कैसे बताऊँ आपको, 1 घंटा भी 1 सदी के बराबर लग रहा है। घर जा रहा हूँ, घर जाके तैयार होऊंगा, फ्रेश होऊंगा, फिर आपके घर भी निकलूंगा। कह तो ऐसे रहे जैसे अकेले आने वाले हैं आप। अरे नहीं भाई, अम्मी तैयार हैं, इंतजार कर रही हैं, बस मैं पहुँचने वाला हूँ घर। ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, हम भी अभी बाजार से आए हैं, अम्मा भी किचन में गई है खाना पकाने के लिए। अरे हमें खाने की नहीं, आपकी प्यार की भूख है। अच्छा है, जब तक आंटी खाना बनाएंगी हम बहुत सारी बातें कर लेंगे। सिंपल तो बातें तो हम फोन पे भी कर सकते हैं। अच्छा सुनो, हॉस्पिटल से कॉल है, दुआ करना कोई इमरजेंसी ना हो। करता हूँ कॉल। अच्छा बाय। अभियान भी आ जाते तो अच्छा लगता। हाँ आ जाएंगे, वो तो बेचारा आ रहा था, एकदम से हॉस्पिटल में इमरजेंसी कॉल आ गई तो उसको मुड़ना पड़ा। मुझसे कहा मैं, आप तो पहुँचे, मैं आ रहा हूँ। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अलीना होमवर्क कर रही हैं? नहीं आंटी, होमवर्क को छोड़े, मैं बस टेस्ट रिवाइज कर रही थी। अच्छा आप बैठे, मैं बच्चियों को बताती हूँ क्या आप आ गई। संदल प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज। देखो वो मेरी बेटियां हैं, खून है मेरा, मैं उनकी जिम्मेदारी से कोताही कैसे बरत सकता हूँ? प्लीज मुझे बताओ। आपको समझ नहीं आ रही, वो आपको मुझसे छीनना चाह रही है। अब ये तावीज़, जादू टोना ये सब कर रही है ये लोग, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप मुझसे दूर हो जाएंगे। संदल नहीं तो देखो, प्लीज देखो ना मेरी तरफ, देखो मुझे तुम्हें कोई दूर नहीं कर सकता। ये तावीज़, गंडे की बकवास है सब। हमारी मोहब्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। ओके, कैन यू बिलीव दैट? प्रॉमिस। मैं आपके लिए खाना निकाल के आती हूँ। नहीं वो मेहमानों के साथ खाना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे? मैंने आपके लिए आज खुद पास्ता बनाया है, आप खाए बगैर कैसे जा सकते हैं? चलो दे दो थोड़ा। थोड़ा सा नहीं, आप सही तरह से खाएंगे। तो अलीना कौन सी क्लास में हो? आंटी मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ और आपको पता है मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ। वाह भाई, तो शक्ल से ही ज़हीन लगती हो। तो बड़े होके क्या बनने का इरादा है? किसे देख रही हो अलीना? मैं तबीयत तो ठीक है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुमैला। किस तरह बात कर रही हो तुम? क्या हुआ? डर लग रहा है? उस रात डर नहीं लगा जब अपने शौहर का कत्ल कर रही थी? क्या हुआ? आपकी तबीयत बेहतर है? मैं आपको कुछ ला कर दूँ? कुछ पानी वगैरह कुछ? नहीं बेटा, बस अब यहाँ आता ही होगा। मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। कैसे अचानक से? खैरियत, अब हानिया बता रही थी कि आप जा रही हैं और खाना बिल्कुल तैयार है, खा के जाइएगा। नहीं बस प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दें, मेरा अजीब सी तबीयत हो रही है, मुझे जाना होगा। शायद अभियान मुझे दवा देगा। तो आप मेरे कमरे में लेट जाएँ, आराम कर लें, अपना घर समझिए ना। आइए। नहीं प्लीज़ प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें मदिहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है बिल्कुल, मुझे जाना होगा। अभियान आ गया। क्या मम्मी आपकी तबीयत खैरियत? हाँ बेटा, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। घर? मुझे बता जरूर देना जो भी हालात। हाँ प्लीज़, ख्याल रखना। माँ, माला आंटी कुछ अजीब सा नहीं बिहेव कर रही थी? हाँ नहीं, ज्यादा ही अजीब। खाना खाए बगैर ही चले। पता नहीं क्या हुआ इनकी तबीयत को। बाबा तुम बाहर क्यों खड़े हो? वो शुमाइला जा रही थी, उन्हें सी ऑफ करनी थी। चली गई क्या? खाना नहीं खाया? तबीयत अचानक खराब हो गई। क्या ऐसा खिला दिया जो उनकी तबीयत खराब हो गई? खाना भी नहीं खाया बाबा उन्होंने तो। तुम लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं इतने इम्पोर्टेंट मीटिंग में था, तब छोड़ के आया मैं। हमें भी अभी पता चले, अभी अभी कही। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। अब मुझे जाना है, मुझे बड़ा जरूरी काम है। अच्छा खाना तैयार है, खाना खा के तो जाएंगे। अरे मैं नहीं, मैं तुम्हें बताया तो था मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं सारा काम छोड़ के आया हूँ। अच्छा बाबा चाय तो पी ले। बेटा नहीं रुक सकता ना मैं, बहुत जरूरी काम था। अब इसने मुझे फोन कर दिया होता तो ये सब कुछ ना होता। मैंने आपको कहा है ना, हमें खुद अभी पता चला। अलीना बैठी हुई थी उनके साथ ड्राइंग रूम में, इससे पूछे। नहीं मैं अपने रूम में थी। अलीना तुम उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, तुम्हारे सामने उनकी तबीयत खराब हुई है। अच्छा बस 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 करो मदिहा, जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने फर्ज को निभाने की, उतना ही तुम मुझे अपने फर्ज से मुतनफर कर रही हो। अब मुझे काम है, मुझे जाने दो। जुनैद? अच्छा मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना। I have to go now. I've got important meetings to attend यार। आइंदा कभी तंग ना करना मुझे। तुमने झूठ क्यों बोला? अम्मा मैंने झूठ नहीं बोला। अलीना तुम वहीं पर थी, तुम झूठ बोल रही हो बाबा के सामने, तुमने ये क्यों किया? अम्मा मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा यकीन करे ना। झूठ बोल रही है ये। दिला देना गुस्सा अम्मा को। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम वही थी। चलो अंदर जाओ। पापा को भी गुस्सा दिला दिया अम्मा। सानिया, कहने को तो इजहार अंकल ने घर की काट करती थी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अजीब फीलिंग होती है। नहीं नहीं कुछ नहीं है, चलो अंदर ना। यही चाहती थी ना तू। तुझे पूछने वाला वही ना हो। और मैं बिस्तर पे पड़ा रहा हूं। कहां जाती है कहां आती है, तुझे कोई ना पूछे। कहाँ जाती है अपने यार के साथ, कहाँ जाती है, कहाँ जा रही है, अरे कहाँ जा रही है तू, कहाँ जा रही है। बताओ कहाँ चली गई, बताओ मुझे, बताओ मुझे, अरे कहाँ। कहाँ चली गई बचा मर रहा हूँ। हाँ बस बेटा, मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ, डर लग रहा है? उस रात डर नहीं लगा जब अपने शौहर का कत्ल कर रही थी? जब आपको छोड़ा था तो आप बिल्कुल ठीक थी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? नहीं बयान, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। प्लीज तुम मुझे बस घर ले चलो। मैं चल रहा हूँ। क्या समझती हो आपको, हैं? बोलो बोलो, कहाँ गई हैं? मुझे बगैर बताए घर से आउट हो जाती हो। कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद अगर मुझे बताए बगैर गई तो हाथ पांव तोड़ दूंगा तुम्हारे, चांद से मार दूंगा मैं तुम्हें। सानिया को अपने अब्बू के बारे में क्या बताया? अब्बू के बारे में सानिया को नहीं। तो अलीना ने ये सब कैसे बोला है जो उसने बोला है? अलीना को क्या क्या पता है? ठीक है, मेरी गफलत से मरा था, लेकिन जिंदगी अजाब कर दी थी उसने मेरी। रोज चीखता था, हाथ उठाता था मुझ पर। फालिज नहीं हुआ था तो खुदा बना रहता था, और फालिज के बाद शैतान बन गया था। उसका हाथ नहीं उठता था, लेकिन वो जबान से मारता था मुझे। कहाँ जाती है अपने यार के साथ, कहाँ जाती है? रोज रोती थी मैं। वो खुश होता था। तुम क्या समझते हो, ये सब मेरा कसूर था? अम्मी आखिर हुआ क्या है? ये सब आप क्यों बोल रही हैं? तुम्हें लगता है ये सब मैंने किया है? तुम मुझे जानते हो, बहुत बोल रहा था उस रात को, चीखे जा रहा था। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर दिया था। हर बात पे शक करता था। फिर उसकी आवाजें आने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और अचानक मुझे लगा कि ये सच नहीं हो सकता, ये फिर चीखेगा, ड्रामा कर रहा है। और एकदम अचानक से आवाज खत्म हो गई थी। मैं अगर चाहती मैं निकल सकती थी, उसको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जा सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नहीं बचा था वो। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब मेरी गलती से हुआ है, तो तुम जो चाहे मुझे सज़ा दो, लेकिन खुदा के लिए मुझे दुनिया के सामने इस तरह ज़लील मत करो। अमीन, आप जो कह रही ठीक कह रही। मैंने खुद अब्बू को आपके साथ ज़्यादती करते देखा है। वो मार धाड़ की आवाज़ें अभी मेरे कानों में आती। मैं छोटा था ना अमीन, मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक कही है अम्मी। उन्होंने आप पर बहुत जुल्म किया है, उन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया अम्मी। तो ये सारी बातें तुमने सानिया को क्यों बताई हैं? मैंने उनसे कहा था उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अम्मी मैंने नहीं बताया सानिया को कुछ भी ऐसा, बिलीव मी। तो फिर अलीना ने ये सब क्यों कहा? अम्मी मुझे बताएं क्या कहा है अलीना ने? सॉरी ना, चली जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मा पानी पी ले। क्यों बाबा से झूठ बोला तुमने कि तुम वहां नहीं थी? अब रो के अम्मा को परेशान कर रही हो, है ना? जाओ अलीना, अपने कमरे में जाओ। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, जब मैं वहां थी तो आंटी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन तुमने बाबा से क्यों कहा कि तुम वहां नहीं थी? बताओ, तुम्हारी वजह से देखो ना आज क्या हुआ है। आपी जब मैं वहाँ थी ना तब अम्मा भी थी। जब आंटी की तबीयत खराब हुई तब मैं अपने रूम में चली गई थी। सच बोल रही हूँ आपी मैं। खैर मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब तुम्हारे रोने से कोई फायदा नहीं, मत रो। अम्मा प्लीज पानी पी लें, कुछ खाएंगी मैं ला दूँ आपके लिए। नहीं बेटा बस, हाँ चाय ला दो, सर में दर्द है थोड़ा सा। अच्छा रोना और परेशान होना बंद करो। अम्मा प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपका और बाबा का झगड़ा हुआ है ना, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ यार। मैं तुम्हें इससे अच्छे सेट ला के दे दूंगा ना। मुझे और सेट नहीं चाहिए। इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? क्या क्या हो गया? आपको इतने फोन किए थे? वो मीटिंग में बिजी था। मीटिंग थी या आप अपने पहली बीवी के घर गए हुए थे? संदर, तुम्हें पता है अफ्रीका से क्लाइंट आया हुआ है, उसके साथ मैं बिजी हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे सामने तो सब कुछ होता है। लेकिन आपने आज वहाँ जाना था ना। मुझ पे तो तावीज कर लिया है, अब आपने ना जाने क्या क्या कर दिया होगा उन्होंने। क्या ये तावीज शावीज दखियार उसकी बातें करती रहती हो तुम? जादू ये सब बकवास है। कैसी बातें कर रहे आप जुनैद? जादू होता है। हर चीज के लिए पैसे चाहिए होते सब, पैसे। और उस बेचारी मदिहा के पास मैं खाने के पैसे नहीं छोड़ता हूँ यार। अच्छा सॉरी, आप नाराज मत हो। देखिए आपके इंतजार में मैंने खाना भी नहीं खाया। ये क्यों करती हो तुम यार? अपना ही अपने बच्चे का ख्याल करो ना प्लीज। खाना खा लिया करो। अच्छा ठीक है, मैं अपने लिए कुछ निकाल लेती हूँ, आप भी मेरा साथ दें। खाना मैंने खाया हुआ है, बस चाय पी लूँगा मैं, ठीक है? ओके। आइए आइए। सलाम वालेकुम। अरे मियाँ बरखुदार बेटा, ये इस तरह लोगों का हाथ चूमना वगैरह जो है हमें मुनासिब नहीं लगता। देखो बेटा, अकीदत हया में और मोहब्बत वफा में, बस बाहया और बावफा रहोगे हम खुश हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। समझ रहे हो ना बेटा? आइए नशीब है। लो है इजहार मियाँ, आज हम आपके घर आ ही गए। हाँ मुश्किल, आप यहाँ आए, आपने इसकी बख्शी गरीब खाने को। हाँ भाई, ओहो माशाल्लाह, जरा बिस्मिल्लाह बैठ जाओ बेटा। भाई वो हमारी बहू ने चने का साग तो बनाया है ना? अरे आपकी फरमाइश और कैसे पूरी ना हो। चलो भाई, हमारा एक शौक तो पूरा हुआ तुम्हारे घर आके। वजह फरमाया। और भाई हमजा मियां माशाल्लाह तालीम के मैदान में कहाँ तक पहुँचे? जी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर। भाई अल्लाह ताला आपको तरक्की कामरानी अता फरमाए। हजरत हमजा 6 साल के थे जब इन्होंने आपके हाथ पर बैठ की थी। हाँ भाई, हमारे पहले छोटे से मुरीद थे। जा बस आपकी रहनुमाई की जरूरत है। अच्छा क्या करना चाहते हो? रूहानियत की तरफ हजरत इनका रुझान है, लोगों की मदद करना चाहते हैं, काम आना चाहते हैं लोगों के। भाई राजी ब रज़ाए इलाही होना पड़ेगा और लड़ना छोड़ना पड़ेगा। लड़ना? मैं किसी से नहीं लड़ता। मुझे लड़ते नहीं है किसी से हजरत। अच्छा लड़ते तो हो, अपने आप से लड़ते हो, अल्लाह के कानून से लड़ते हो। सुना है ना तुमने कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक बेशक। इसका मतलब जानते हो? अल्लाह पत्ते को हुक्म नहीं देता कि हिले। हुक्म जो है अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब है कानून। अल्लाह ताला ने हवा को कुव्वत बख्शी तो चलेगी तो पत्ता हिलेगा, आग को कुव्वत बख्शी अल्लाह ने जला दी, पानी को कुव्वत बख्शी प्यास बुझा दे। वो हमारा रब पौधे से दरख्त बनाता है, दरख्त में फल लगाता है, फल में बीज होता है, बीज से फिर पौधा बनाता है। यही अल्लाह के कवानीन हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ अगर मैं चोरी कर लूँ पकड़ा जाऊंगा, दुनिया मुझे सजा देगी, ये दुनिया का कानून है। लेकिन आग में हाथ डालूंगा जल जाए, ये खुदा का कानून है। बस उसके हुक्म पे अमल करते जाओ, उसके हुक्म के सामने बेटा सर झुका दो, लड़ना बंद करो। लड़ना वड़ना नहीं बेटा, लड़ना बंद करना पड़ेगा। जी मुझसे, मैं आपके और अब्बा की तरह लोगों की मदद करना चाहता हूँ। भाई तो भेजो इनको हमारे साथ एक हफ्ते के लिए, या तो ये पकड़े जाएंगे ये भाग जाएंगे, अगर पकड़े गए मकसद पा जाएंगे अपना। हजरत ये तो मेरी खुशनसीबी होगी अगर ये पकड़े गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। महाजर तनावुल फरमा लीजिए। हाँ भाई जरूर। आज तो हमारी फरमाइश भी बनी है। जी हाँ जी हाँ, आपकी बहू ने चने की दाल का साग। जी अम्मा, आप आवाज दे रही थी। जी बेटा, कब से मैं तुम्हें बुला रही हूँ। क्या कर रही थी? कुछ लॉन्ड्री कर रही थी। कुछ कपड़े हैं तो देते हैं, मैं धो देती हूँ। सुनो, मैं रात से शुमाइला को कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। तुम्हारी अभियान से बात हुई है? नहीं, वो लोग मेरा फोन नहीं उठा रहे। अम्मा सुनो, जरा दोबारा कॉल करके पूछ लो प्लीज। हालांकि उसने कहा था वो मुझे बताएंगे, लेकिन ना उनकी कॉल आई और अब फोन नहीं उठा रहे। मैं कोशिश करती हूँ दोबारा कॉल करने की। बता जरूर देना मुझे। हाँ ठीक है। बुआ सलाद कहाँ है? नहीं बीबी जी, अभी तो नहीं काटी, काट देती हूँ मैं। क्यों नहीं काटी जब मैंने आपको पहले से कहा हुआ था? अगर आप पहले बात सुन ले तो टाइम जाया नहीं होगा। अब जाए जल्दी से। ठीक है, आप खाना शुरू करें, वो सलाद लाते हैं। संदल, वो सानिया की शादी हो रही है, निकाह जल्दी कर रहे हो। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। इस थोड़ी सी परेशानी है। क्यों, क्या हुआ? लड़के को पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। वो दरअसल मेरा क्लाइंट है, बहुत बड़ा ऑर्डर दिया हुआ था उसने, अभी तक पेमेंट नहीं किया। आ जाएगी पेमेंट, लेकिन अभी नहीं है ना। फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतरी करेगा। इसलिए संदल वो जेवर भी वापस करना पड़ेगा। क्यों? आप तो कह रहे थे कि उनके पास और भी जेवर है और वो आपने मुझे दिया था। मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगा। वो दरअसल मदिहा ने सानिया के लिए दहेज के लिए रखा हुआ। और पूछा आपने कि क्यों बेच रही थी? इन्हें जादूगर को पैसे देने होंगे ना। सुंदर, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? और मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ। मैंने आपको तावीज दिखाया, सब कुछ बताया, लेकिन मेरी बातों का तो आप यकीन ही नहीं करते ना, कोई अहमियत ही नहीं है मेरी। अच्छा सुंदर प्लीज, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ यार। मैं तुम्हें इससे अच्छे सेट ला के दे दूंगा ना। मुझे और सेट नहीं चाहिए। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या हो गया? अब तो मैं गुस्सा भी ना करूं। मेरी सारी बीवी चीजें उन्हें वापस दे दीजिए। जाहिर, पहली बीवी तो पहली होती है ना। मैं एक बेवकूफ थी जो अपनी बातों में आ गई। तुम नहीं चाहती मैं अपनी बच्ची को जेवर पहनाऊं? यही तो बात है, वो सब कुछ चोलनी का है, कभी मेरा था ही नहीं। आपकी सो कॉल्ड बीवी और बच्चों का, है ना? फिजूल बातें मत करो, वो बच्चे हैं मेरे। वही आपकी बीवी है, वही आपके बच्चे। मैं और मेरा बच्चा तो किसी खाते में ही नहीं आते आपके। क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ रहता हूँ मैं, तुम्हें हर किस्म की सहूलत है तुम्हारे लिए, पैसे देता हूँ तुम्हें, हर चीज तो करता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? उनको 30 साल दिए हैं आपने, मुझे जुम्मा 8 दिन की हुए और आपको तकलीफ हो रही है। 30 नहीं, 26 साल। अच्छा, अब तो आपको साल भी याद होंगे, घंटे भी बता दें। संदर, पागल हो गया? मैं बिल्कुल पागल हूँ। संदर खाना। हाँ, अब यान भाई का फोन आया है। तुमने क्या कहा उनसे? मैंने कहा आज आप ही धोबन बनी हुई हैं। भागो यहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम अभियान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। तुमने फोन किया था? हाँ, वो मुझे पूछना था कि आंटी की तबीयत कैसी है। तबीयत ठीक है उनकी, अब बेहतर है। वो हम कॉल कर रहे थे, इनफैक्ट अम्मा कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी तो हम लोग परेशान हो गए थे। एक्चुअली वो फ़ोन इधर उधर रख के भूल जाती हैं अक्सर, उनकी भूलने की आदत है, तो हो सकता है भूल गई। कल वो अचानक ही चली गई। अम्मा कह रही थी कि उनकी सही तरह बात नहीं हो पाई आपकी अम्मी से, और आपको पता है आपके जाने के बाद बाबा भी आए थे। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग डिनर पर क्यों नहीं आते हमारी तरफ? बात भी हो जाएगी और तुम बाबा को भी ले आना। हाँ, ये बात तो आपको अम्मा से करनी चाहिए। बाबा से मुलाकात हो सकती है लेकिन वो आजकल काफी मसरूफ रहते हैं। निकाह के सिलसिले में बात करने के लिए आ जाएंगे, उसमें भी नहीं आएंगे? हाँ, तब तक तो आ ही जाएंगे। अच्छा, एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपकी बात ना अम्मा से कराती हूँ, या आप एक काम करें अपनी अम्मी से कहें कि अम्मा को कॉल करके उनसे बात कर लें। अरे अम्मी कहाँ फ़ोन उठाती हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, तुम लोगों के खाक उठाएंगे। एक काम करो, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, अम्मी से बोलूँ, घर जाके बात करवाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मैं बता देती हूँ। और सुनाओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? वैसे ही, हैंडसम, स्मार्ट, कुंवारा। लेकिन एक तब्दीली तो इसमें होने वाली है। क्या मैं हैंडसम नहीं रहूँगा या स्मार्ट नहीं रहूँगा? कमारे नहीं रहेंगे। इतने महीने तो गुजर गए, पता नहीं कब आएगा वो वक्त। इतने महीने गुजर गए, आपको पता है अभी तक तो 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, जिस बात ही ना हुआ करे। तुम क्या चाहती हो, सालों गुजर जाए? अच्छा ठीक है, अभी आप फोन बंद करें ताकि मैं आपका पैगाम अम्मा को दूं, और हाँ रात को बात करेंगे, मेरे पास ही होगा फोन, आप कॉल कर लीजिएगा। ओके ओके ओके, रात को बात करते हैं, ठीक है ना? अपना ख्याल रखो, खुदा हाफिज़। बेटा, सबर पर ताले की कुंजी है, यूँ समझ लो कि ये इस इमारत की पहली सीढ़ी है। कर सकोगे सबर? जी मुर्शिद, ये सब कर लेंगे। चलो तो फिर आज से इस सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब तक हम आपको इजाज़त ना दें आप उस लड़की से रब्ता नहीं करें। मुर्शिद, आपको पापा ने सब बता दिया। इस खोज में मत जाओ कि हमें कौन बताता है। तहकीक इस बात पे करनी ज़रूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है। जब दुरुस्त का पता चल जाए तो आप पे चल पड़े। जी मुर्शिद। बेटा, किसी के बारे में मालूमात कर लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसको झेलना मुश्किल है। लोगों के मसाइल और उनकी बीमारी का पता करना तो आसान हो सकता है, लेकिन बीमारी की दवा करना बहुत मुश्किल काम है। कभी इन आँखों से देखे को भी ना दरगुजर करना पड़ता है, इन कानों से सुने को अनसुनी करना पड़ता है, और जानते बूझते भी दरगुजर करना पड़ता है। बेटा, अनजान बनना पड़ता है। और ये लोग धोखा देते हैं। जानते हो ना कि मुर्शद, हर कोई धोखा तो नहीं देता। ज़रूरत इस अमर की है कि मुस्कुरा कर दरगुजर कर दो। बेटा, यही तो ज़र्फ है। आपको सब पता चल जाता है मुर्शद। नहीं बेटा, नहीं, सब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वही मुख्तार कुल है, बस जिसको वो इल्म दे दे उसका करम, फिर उसके दिए हुए इल्म पर तसर्रुफ रखने के लिए दिल को कुशादा और सोच को वसी करना पड़ता है। यूँ समझ लो तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं सब मरीज़ हैं, मरीज, और उनसे होने वाली गलतियां उनका मर्ज है। इस सोच से हौसला बनेगा, हौसला दरगुजर करना आसान होगा। बेटा, यानी मुझे भी सब पता चलने लग जाए। मुश्किल है, लेकिन ये भी हो जाएगा। बस सब्र और तकवा की डोर थामे रखो। हर चीज़ का अपना वक्त मुकर्रर है बेटा, अल्लाह खैर करेगा। चलें, अजान हो गई, जाते हैं अल्लाह के हुजूर। चलो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अलीना, आप क्यों मेरी जिंदगी तबाह करने पे तुली हुई है? सानिया, तमीज से बात करो अपनी माँ से।